नमस्कार, आज मित्रों मैं आपके लिए लाई हूँ बैंगन का भरता, लहसुन वाला और प्याज की चटनी, वो भी सिलबट्टे पर पिसी हुई, और साथ में गकरियाँ। आपने कभी फ्रेंड्स गकरियाँ खाई हैं? नहीं खाई हैं ना फ्रेंड्स। आज मैं आपको बनाकर खिलाती हूँ भट्टे का भरता यानी बैंगन का भरता और गकरियाँ प्याज की चटनी के साथ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ बैंगन ले लिए हैं और ये बिल्कुल देसी बैंगन है। इसमें मैंने लहसुन गपा दिया है, इसमें थोड़ा थोड़ा छेद करके चाकू से लहसुन की कलियां मैंने छील ली थी। और देखिए इसको मैंने गैस स्टोव के ऊपर रख दिया है भूंजने के लिए। अब ये भूंज के तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका भरता बन जाएगा। ये देखिए ये अब भूंजने लगा है फ्रेंड्स। ये भट्टे का भरता बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, बिल्कुल बिना छुका। और ये मैंने ले लिया है आटा, करीब आधा किलो के करीब आटा है और पाव भर करीब। इसमें मैंने बेसन ऐड कर दिया है फ्रेंड्स। इसके बनेंगी गकरियाँ। हमारे यहाँ जो बरसात में या ऐसे भी हम लोगों का मन होता है तो हम लोग गकरियाँ बना के खाते हैं। और इसमें मैंने अजवाइन मिला दी है थोड़ी सी और स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है फ्रेंड्स। और इसको मैं पानी डाल करके गूँथ लूँगी। देखिए इसको पहले मिक्स कर दिया मैंने अच्छे से आटे को, और इसके बाद इसमें पानी ऐड करके इसे गूँथ लूँगी फ्रेंड्स। गकरियाँ हमारे यहाँ बहुत प्यार से खाई जाती हैं फ्रेंड्स, रोटियों से ज़्यादा अच्छी गकरियाँ लगती हैं। और गरम गरम गकरियों का तो मज़ा ही अलग होता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये गकरियों का आटा तैयार हो रहा है। इसे गूँथ करके मैं रेस्ट के लिए रख दूँगी। ये देखिए आटा तैयार हो चुका है गूंथ करके, और अब ऐसे मैं 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दूँगी कि ताकि अच्छे से आटा सेट हो जाए। ये परथन मैंने इसमें डाल दिया था फ्रेंड्स। और ये भट्टा देखिए हमारे भुंज गए हैं, भट्टा यानी बैंगन, देसी बैंगन है ये फ्रेंड्स, ये भुंज गए हैं। और अब मैं कर रही हूँ धनिया के नमक की तैयारी। आज ये हरी धनिया का नमक नहीं बन रहा है, ये सूखी धनिया का नमक बन रहा है। ये सूखी धनिया, कुछ कलियाँ लहसुन की और थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च पाउडर। वैसे तो मैं इसमें बड़ी मिर्च लेती हूँ लाल मिर्च, लेकिन आज मैंने पाउडर ही किया है फ्रेंड्स। ये चटनी बनती है, ये बहुत अच्छी बनती है। इसको आप चटनी भी कह सकते हैं या धनिया का नमक भी कह सकते हैं। इसको मैंने देखिए सिल्वर से उठा लिया है। और जो बैंगन मैंने भून के रखे थे ना फ्रेंड्स, इसको भी मैंने हल्का सा सिलबट्टे पर पीस लिया है, बिल्कुल ज़्यादा पीसने की इसे ज़रूरत नहीं थी। और इससे नमक भी इसमें सिमट के आ गया फ्रेंड्स, और पूरा भरते में नमक भी अच्छे से लग गया इसमें आ गया फ्रेंड्स। और अब ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होने वाला है। और अब मैं पीस रही हूँ प्याज की चटनी। वो जो नमक मैंने धनिया का पीसा था ना, वो थोड़ा सा इसमें मैंने ऐड कर दिया है। और ये देखिए दो प्याज लिए थे मैंने बड़े बड़े, और इसकी चटनी तैयार कर रही हूँ फ्रेंड्स। प्याज की चटनी बहुत अच्छी लगती है। इसमें आप दो तीन बड़ी प्याज ले लें, पाँच छः कलियाँ लहसुन की, दो तीन लाल मिर्च ले लें, और थोड़ी सी धनिया। अगर आप खड़ी धनिया डाल के पीसें तो उसकी भी चटनी बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी चटनी लगती है। आज मैंने सोचा कि चलो आज सिल पर काम करती हूँ, आपको सिल की पीसी हुई चटनी खिलाऊँगी फ्रेंड्स। और आप ये ज़रूर घर पर बनाएं, अपने ट्राई करें। मैंने तो सिलबट्टा अपने प्लेटफॉर्म पर ही रख लिया है, गैस स्टोव के पास में ही रख लिया है, ताकि मुझे जो भी पीसना होता है मैं फटाक से पीस लेती हूँ और बढ़िया रेसिपीज तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये प्याज की चटनी भी पीस कर तैयार हो चुकी है। और अब मैं बनाऊँगी गकरियाँ। ये देखिए मैंने गकरियाँ बेल कर डाल दी हैं फ्रेंड्स, और इसे अब मैं तवे पर डालूँगी और सुनहरे होने के लिए अच्छे दोनों तरफ अलट पलट कर सुनहरा सुनहरा इसे मैं सेंक लूँगी फ्रेंड्स। ये गकरियाँ आपकी नान को भी मात करेंगी फ्रेंड्स, ये इतनी अच्छी लगती हैं, सौंधी सौंधी खरी खरी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों साइड से अच्छी सिक जाएगी। आपको आज की ये मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये देखिए तवे पर ही इतनी अच्छी फूल रही है ये फ्रेंड्स, कि इसे आग की ज़रूरत ही नहीं है अलग से सेंकने की। और ये देखिए ये कितनी अच्छी
सीखकर तैयार हो रही है, सुनहरी खरखरी, बिल्कुल खाने में बहुत ही मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स, और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है आज का ये नाश्ता कह लें या खाना जो भी कह लें आप, आज ये बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। भट्टा गकरियाँ और प्याज की चटनी, भट्टे का भरता, गकरियाँ और प्याज की चटनी फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर इसे घर पर बनाकर ट्राई करें और देखिए कितनी फूली फूली और करारी और सुनहरी सुनहरी बनी है। धन्यवाद।